केजरीवाल साहब ने जो किया उसके तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसने तो जो है बिल्कुल जो है जनता से जो है धोखा जो है किया है। पहले खुद ही उन्होंने जो है बोला कि भाई मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, आम आदमी की तरह मैं जो है रहूँगा, वैगनार में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, घर में 45 करोड़ का खर्चा कर दिया। तो ये तो बिल्कुल जो है समझ से जो है परे है बिल्कुल। ये तो जनता साथ टैक्स पेयर के पैसे का जो है बर्बादी है। अभी तो जो है बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स फ्लैट जो है 20 फ्लैट तोड़ के जो है उसे उनके जो है उसमें मिलाया जा रहा है, घर में मिलाया जा रहा है कि वहाँ जो है पार्किंग बनाई जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी करने में जो है दिक्कत उन्हें आ रही है। ऐसा कितनी गाड़ियाँ उनके पास है, कितनी गाड़ियाँ क्या है। देखो आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब दोबारा जो है रिपीट कर पाएंगे। जो हालात है जनता जो है पहले बिजली पानी का उसमें जो है उन्होंने कर लिया। अगर सर काम होगा कोई 1 लाख कमाएगा तो 20,000 बिल भी भर लेगा, काम ही नहीं होगा तो बिजली पानी लेगा क्या करेगा। बिजली का पहले जो है खुद अपने आप खंभे पर चढ़ चढ़ के तार जो है जोड़ रहे थे, आज ये बिजली का जो है बार बार जो कहते हैं LG जो है नहीं वो कर रहा, सब्सिडी जो हट जाएगी। अरे हट जाएगी तो ये कोई परमानेंट किसी चीज़ का समाधान थोड़ी है। हाँ अब्दुल रहमान ये तो 2009 का केस है। जो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ये जो है मोदी साहब जो है गलत कर रहे, ये तो 2009 का केस है, कांग्रेस के टाइम का केस है ये तो, जब तो जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे। मोदी तो सर मोदी को कोई अभी टक्कर देने वाला नहीं, अभी मोदी 24 में भी आएगा, 29 में भी आएगा। सर क्या नाम है आप? सुनील कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं सुनील जी? दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं सर? शाहदरा के रहने वाले हैं। अभी मामला सर सुन रहे होंगे ऑपरेशन शीश महल वाला, आप जो अरविंद केजरीवाल के घर का लेकर के खुलासा हुआ है। इस समय सवाल ये उठ रहा है कि बात ये नहीं है कि आपने खर्चा कितना किया, बात ये है कि आपने एफिडेविट लिखा था कभी गाड़ी नहीं लूँगा, कभी बंगला नहीं लूँगा, और शीला दीक्षित को ही 10 गालियाँ दे करके कि उसने 10 AC लगा दिए, कैसे लगा दिए, मैं टैक्स देता हूँ आप टैक्स देते हैं, 10 AC कैसे लगा सकती है। अब तो यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, 10-10 लाख के 10 TV लग रहे हैं, 8-8 लाख के पर्दे वियतनाम से आए इम्पोर्टेड मार्बल लग रहा है, रिमोट कंट्रोल वाली टॉयलेट सीटें लग रही हैं 4.25 लाख रुपए की। क्या प्रतिक्रिया सर? केजरीवाल साहब ने जो किया उसके तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसने तो जो है बिल्कुल जो है जनता से जो है धोखा जो है किया है। पहले खुद ही उन्होंने जो है बोला कि भाई मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, आम आदमी की तरह मैं जो है रहूँगा, वैगनार में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, घर में 45 करोड़ का खर्चा कर दिया। तो ये तो बिल्कुल जो है समझ से जो है परे है बिल्कुल। ये तो जनता साथ टैक्स पेयर के पैसे का जो है बर्बादी है बिल्कुल। जो है पहले वो खुद कहते थे कि भाई मुझे तो 4 कमरे का जिस फ्लैट में मैं रह रहा 4 रूम है उसमें ही मैं 4 रूम में ही खुश हूँ, मुझे क्या करना है। बाकी अब जो देख रहे हो तो बिल्कुल किसी भी एंगल से जो ठीक नहीं है, वो तो टैक्स पेयर के पैसे बिल्कुल जो है बर्बादी है। 4 कमरे की बात की थी, अब 8 घर जो है अगल बगल के 8 घरों को ले लिया गया, उनके उसमें उनको ओवरटेक कर लिया गया CM जो है आवास के लिए। अभी तो जो है बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर्स फ्लैट जो है 20 फ्लैट तोड़ के जो है उसे उनके जो है उसमें मिलाया जा रहा है, घर में मिलाया जा रहा है कि वहाँ जो है पार्किंग बनाई जाएगी, गाड़ियाँ खड़ी करने में जो है दिक्कत उन्हें आ रही है। ऐसा कितनी गाड़ियाँ उनके पास है, कितनी गाड़ियाँ क्या है। पहले कुछ नहीं था, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यह तो सर टैक्स पेयर के पैसे की जो है खराबी है। अच्छा उसके अलावा मैं भी गया था उनके घर के बाहर, खैर वो हमें तो जाने नहीं दिया उन्होंने, अंदर तो इन्वाइट नहीं किया, क्लेम तो कुछ और करती है आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि जैसे वो बिजली को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा एक चर्चा है कि बिजली का बिल शीला दीक्षित के लिए कहते थे बिजली का बिल जो है हम दे रहे हैं, हम बिजली सस्ती कर दी, 2,58,00,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई है, जिसमें 88 लाख रुपए तो स्मार्ट मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा हुआ है, मतलब आप चलेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, निकलेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, उसके अलावा सीलिंग फ़ैन जो पंखा है स्मार्ट सीलिंग फ़ैन पर 6.25 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा हुआ है, 1 करोड़ रुपया तो कंसल्टेंसी के नाम पर दिया गया, सुपीरियर कंसल्टेंसी जिसने अच्छा कंसल्ट किया 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया गया। तो ये पुरानी बातें हो रही है, आपका कुछ फ़र्क करेगा आने वाले दिल्ली की राजनीति में? सर देखो आने वाले टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल साहब दोबारा जो है रिपीट कर पाएंगे। जो हालात है जनता जो है पहले बिजली पानी का उसमें जो है उन्होंने कर लिया। अगर सर काम होगा कोई 1 लाख कमाएगा तो 20,000 बिल भी भर लेगा, काम ही नहीं होगा तो बिजली पानी लेगा क्या करेगा। ये तो सिवाय कोई भी काम तो दिल्ली में हो नहीं रहा, काम तो सब बिल्कुल ऐसे ही जो है ठप पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, जहाँ गंदा पानी आ रहा गंदा ही पानी आ रहा, सुनवाई कहीं कुछ नहीं है। बिजली का पहले जो है खुद अपने आप खंभे पर चढ़ चढ़ के तार जो है जोड़ रहे थे, आज ये बिजली का जो है बार बार जो कहते हैं भाई LG जो है नहीं वो कर रहा, सब्सिडी जो हट जाएगी। अरे हट जाएगी तो ये कोई परमानेंट किसी चीज़ का समाधान थोड़ी है कि भाई सबको जो है इन्होंने दे दिया, ये तो ठीक नहीं है।
सर, ये अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसी बीच कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जो है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं अब्दुल रहमान, सीलमपुर से आते हैं, हाँ, वो उनको दोषी करार दिया गया है। एक बार स्कूल की प्रिंसिपल के साथ हाथापाई मारपीट और यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी थी। तो एक तरफ लगातार अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी से जोड़ते हैं कि हम तो उनके महाराजा राणा प्रताप के वंशज हैं, दूसरी तरफ एक एक करके सभी नेताओं का नाम सामने आ रहा है, अब अब्दुल रहमान का नाम सामने आ गया जो विधायक है, इनके दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब्दुल रहमान, ये तो 2009 का केस है, जो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट के जो है मोदी साहब जो है गलत कर रहे, ये तो 2009 का केस है, कांग्रेस के टाइम का केस है ये तो, जब तो जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो उसमें तो ये तो कहना जो है बिल्कुल सरासर जो है गलत है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ भी केंद्र में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस थी, वैसे भी जो है शीला दीक्षित जो सीएम थी दिल्ली में जो है, ये तो तब का मामला है, ये तो उस मामले का इसकी भी जो है सदस्यता भी जाएगी। इन्होंने जो प्रिंसिपल को जो है मारपीट की थी उनके साथ में जो है स्कूल में जाके, ये तो सर जो है कुछ नहीं है, तो बस पैसे ही है, बेकार है जी, ये तो जनता टैक्स पेयर के पैसे खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं है, विज्ञापन ये वो इसमें पैसा खराब कर रहे हैं। एक बार 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी थी, 19 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन में खर्चा किया। हाँ, तो क्या पैसा उसका फायदा क्या है, 10 लाख की स्कॉलरशिप में 19 करोड़ रुपए, 19 लाख रुपए जो विज्ञापन में खर्च कर दिए, हाँ, तो उसका क्या कोई बेनिफिट थोड़ी है। ये तो एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, अब इसमें शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया तो ऑलरेडी अभी अंदर हैं और इतने स्ट्रॉन्ग सबूत होंगे तभी उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। अब कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, 56 सवाल उनसे भी पूछे हैं सीबीआई ने, और आम जनता का भी कहीं ना कहीं जब हम रिएक्शन लेते हैं तो वो कहते हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल से सलाह लिए तो मनीष सिसोदिया अकेले इतना बड़ा काम कर नहीं सकते। सर देखो, केजरीवाल साहब ने क्या है कि कोई भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं जो है रखा उन्होंने, कोई भी विभाग उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सारा जो है मनीष सिसोदिया को जो है दे दिया, और को दे दिया, मनीष सिसोदिया पे 25-26 जो है विभाग जो है दिया हुआ था, 33 में से 18 विभाग जो है सिसोदिया साहब के पास थे। अब ये तो कहते हैं कि भाई उन्होंने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, शिक्षा के लिए अच्छा, तो शिक्षा के लिए कौन मना कर रहा है कि नहीं काम किया इन्होंने। बाकी ऐसा तो मैं पहली बार जो है देखा है कि जो शिक्षा मंत्री है वही जो है शराब मंत्री है। घोटाला तो किया है वो केजरीवाल की, बिना सह के तो इतना बड़ा वो नहीं हो सकता सर। सवाल कुछ और पूछ जाते हैं, जैसे अभी लगातार सवाल हम पूछ रहे हैं इसको लेकर के 45 करोड़ का रिनोवेशन, तो उसमें कह रहे हैं कि छत टपक रही थी, तो फिर हम पूछते हैं कि छत टपक रही थी तो 10-10 लाख के टीवी लगाने से छत सही हो जाएगी क्या, या 8-8 लाख के पर्दे लगाने से छत सही हो जाएगी? ये सर जो है केजरीवाल साहब जो है ना, ये आम आदमी को जो है सोच रहे हैं कि भाई इन्हें तो समझ नहीं है, अकेला वही जो है रोटी खा रहे हैं, दूसरा आदमी तो रोटी नहीं खा रहा, उसे तो समझ ही नहीं है, ऐसा सोचना उनका जो है ठीक नहीं है, और अभी आने वाले चुनाव में उन्हें इसका वो भुगतना पड़ेगा। चलिए आखिरी कमेंट, 24 इलेक्शन आने वाला है 2024 का, सभी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ देर पहले से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि अब तो बीजेपी को हम ही टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, और मोदी को टक्कर देने वाले केवल अब केजरीवाल बचे हैं। मोदी तो सर, मोदी को कोई अभी टक्कर देने वाला नहीं, अभी मोदी 24 में भी आएगा, 29 में भी आएगा, अभी तो कोई दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा मोदी साहब के टक्कर में। मोदी साहब ने बाहर तो विदेश में तो बहुत कुछ जो है बदल दिया है, बाहर जाते हैं तो पता लगता है कि भाई कितना कुछ जो है चेंज आ गया है, मोदी का अभी कोई विकल्प नहीं है सर देश के पास। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शिव चौधरी है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली द्वारका रहता हूँ। दिल्ली द्वारका रहते हो, दिल्ली तो इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है वो आम आदमी पार्टी को लेकर के, अब देखने अरविंद केजरीवाल का एक ऑपरेशन शीश महल इस समय बहुत चर्चा में है। अब वो तो है, देखो ये जरूरी भी है क्योंकि चलाना जो प्रोटेस्ट और लीगल सबको सेफ्टी जरूरी है, और बाकी केजरीवाल ठीक ही कर रहा है, अब मोदी जी भी ठीक कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह है, अब मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे अब राहुल प्रधानमंत्री के लिए, हाँ प्रधानमंत्री के लिए, देखो मैं ना वोट दोनों को देता हूँ, दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को देता हूँ और उसके लिए पीएम मोदी को देता हूँ, क्योंकि भाई अब ऑप्शन नहीं है दिल्ली में, केजरीवाल के अलावा ऑप्शन नहीं है और उसमें उसके मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी ऑपरेशन शीश महल देखा आपने, जो खुलासा हुआ? मैं जानता तो हूँ, बस ज़्यादा देखा नहीं उसके बारे में। क्या एक ना एफिडेविट लिखा था अरविंद केजरीवाल ने, और बहुत सारी पुरानी क्लिपिंग्स हैं जो उनकी निकल रही हैं, जो आम आदमी पार्टी बनी थी उस समय जिस बेसिक प्रिंसिपल पर बनी थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुछ
मोटिव कुछ और था, धीरे धीरे आगे अब 10-10 लाख के टीवी लगे उनके घर पे, 8 लाख का पर्दा और वियतनाम से आए इम्पोर्टेड मार्बल, ऐसे 45 करोड़ रुपया तो इसी पर खर्चा है। स्मार्ट चीज तो गलत है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि पहले वो आए थे किसी और चीज के, मेन मोटिव से वो भटक रहे हैं, जो मोटिव वो लेकर आए थे कि स्वराज, मतलब हमारा स्वराज रहना चाहिए। शीला दीक्षित के बारे में यही सब बातें की थी तो लोगों ने वोट दिया था, जाके बिजली के मीटर काटे थे अगर याद हो। शीला दीक्षित भी अच्छी थी, बस वो क्या करप्शन की वजह से थोड़ा सा फंस गए, नहीं तो बहुत अच्छा। देखो आज भी देख लो दिल्ली में कितने सारे काम हुए, जितने कांग्रेस समय के जो हाईवेज बने, हाँ उसी को, मतलब ठीक है, बस वो उसमें रह गए, क्या नाम है, थोड़ा करप्शन वगैरह उनकी नेताओं ने कर लिया जिसमें से फंस गए, नहीं तो मेरे ख्याल से कांग्रेस भी बहुत अच्छी पार्टी थी। लेकिन एक कमेंट आखिरी लेना चाहूँगा, जो लोकसभा से हमारी बात शुरू हुई थी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब तो मोदी को टक्कर केजरीवाल ही दे सकते हैं, तो अगर बनारस से मोदी चुनाव लड़े दोबारा से हो सकता है केजरीवाल चले जाएं वहाँ पर, तो आम आदमी पार्टी क्या इस पैन इंडिया का ही बनारस से केजरीवाल जी जीत पाएंगे? अगर वो कहीं और ट्राई करें तो शायद जीत भी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता बनारस से जीत पाएंगे। मोदी के सामने, मोदी से सामने नहीं जीत पाए, अदर अगर कोई चेहरा है उसके सामने खड़े होंगे तो शायद जीत जाएं, लेकिन मोदी के सामने तो 100 में से 10% भी नहीं है मेरे ख्याल से जीतने का चांसेस।